સુરતના સરસાણા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે સુરત જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન દ્વારા જ્વેલરી એક્ઝિબિશનનું શુક્રવારના રોજ જ્વેલરી બનાવતા કારીગરોના હસ્તે ઉદઘાટન કરાયું હતું, જ્યાં 15 કિલો સોના ચાંદી અને ડાયમંડથી બનાવેલી સંસદભવનની પ્રતિકૃતિ ખરેખર આકર્ષણ કેન્દ્ર બની હતી। हाल लग्न सराहनी सीजन चाली रही है, लोग ज्वेलरी खरीदवा पण उमटी रहा है। त्यारे सुरतना ज्वेलरी मेन्युफेक्चर एसोसिएशन द्वारा ज्वेलरी एक्जिबिशन आयोजन कर्यु छे। सुरतना सरसाणा खाते कन्वेंशन सेंटर खाते ज्वेलरी एक्जिबिशन आठ एटले के 16 डिसेम्बर 19 डिसेम्बर दरमियान आयोजन करायु छे। तो ज्वेलरी एक्जिबिशन उद्घाटन ज्वेलरी बनावना कारीगरों हस्ते करायु। प्रथम दिवसे 15 किलो सोना चांदी और બનાવેલા નવા સંસદ ભવનની પ્રતિકૃતિ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી। એક્ઝિબિશનમાં નવા સંસદ ભવનની પ્રતિકૃતિ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરીયા હસ્તે ખુલ્લી મુકાઈ હતી। તો નવા સંસદ ભવનની 1.5 ફૂટની પ્રતિકૃતિ ટેમ્પલ ઓફ ડેમોક્રેસી 5 ડિઝાઇનોએ તૈયાર કરી છે। આ પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં 35 પ્રિન્ટિંગ ટેકનોલોજીનો પણ ઉપયોગ કરાયો છે। તો સાથે નવા સંસદ ભવનની પ્રતિકૃતિ બનાવવા 50 જેટલા જ્વેલર્સનો પણ ફાળો છે। આ પ્રતિકૃતિ બનાવવા માટે પ્રાકૃતિક અને લેબ્રોન હીરાનો ઉપયોગ કરાયો છે। રૂટ્સ જેમ એન્ડ જ્વેલરી મેન્યુફેક્ચર એક્ઝિબિશનમાં દેશભરમાંથી 2000 જેટલા બાયર્સ અને જ્વેલરી સાથે જોડાયેલા લોકોએ ભાગ લીધો છે। એ અમારે સામે એક બહુ બડી ચુનૌતી હતી, લેકિન અમારા ज्वेलरी एसोसिएशन और हमारा ओम परिवार का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मेहनत और तजुर्बा के वजह से इसको हम बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत मेहनत करके दिन रात काम करके इसको सफल बनाए। इसमें हमारे 8-10 वर्करों ने 5 दिन तक कंटिन्यू सोया भी नहीं, न टाइम से खाना खाया, लेकिन हमारे सामने एक ही चुनौती थी कि हमें किसी भी हाल में इसको कम्प्लीट करना है और बेहतर से बेहतर करना है। और हमारे कारीगर ने एकदम जी जान से बिना किसी एक्सक्यूज के बहुत मेहनत किया, तब जाके हम सफल कर पाए। और अभी भी हमारे 24 घंटा से कोई भी कारीगर सोया नहीं। क्या क्या चीज़ यूज हुई है? इसमें हमारा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, बाकी अदर मटेरियल भी है, प्लस इसमें है हमारा मोती भी है, अलग अलग MOP है, अलग अलग स्टोन है, तरह तरह की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली है हमने सबका इस्तेमाल किया है। और बहुत कम टाइम में सभी टेक्नोलॉजी का सही जगह में एकदम सही प्रयोग करके इसको अच्छा से अच्छा हमने बना लिया है। इस कारीगर में, इस पीस को बनाने में कम से कम 10 से 15 कारीगर लगे हैं, जो कंटिन्यू 10-15 दिन से मतलब कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं। ये इसको बनाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तो हमारे पास क्या है, समय बहुत कम था, दूसरा हमारे पास 150 इसके पार्टिकल्स थे, 150 पार्ट को अलग अलग सेपरेट लेना, बाद में सबको एक साथ जोड़ना, फिटिंग करना, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मिलाने में हमें बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन हमारे पास ऐसे तजुर्बे वाले कारीगर है जो सब कुछ झेल लिए और बहुत मेहनत से एकदम लगन के साथ इसको कंप्लीट कर लिए। फ्रॉम चेन्नई ज्वेलर्स एसोसिएशन, सूरत ज्वेलर्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन वालों ने हमें इनवाइट किया एंड वी हैव कम एज अ डेलीगेशन। आपको मालूम है कि साउथ इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमिंग मार्केट है और सूरत बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप बिजनेस बिटवीन सूरत एंड साउथ इंडिया, बिकॉज चेन्नई इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इन इंडिया। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर सीइंग दिस शो वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड ये जो आपने बनाया है यहाँ के एसोसिएशन वालों ने, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ अ वंडरफुल मास्टर पीस ऑफ ज्वेलरी एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ सक्सेसफुल शो। एंड आवर कंग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू द सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड द टीम विच हैज मेड दिस शो। સુરતના સરસાણા કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે આથી શરૂ કરેલા જ્વેલરી એક્ઝિબિશન 19 ડિસેમ્બર સુધી ચાલનાર હોય, જેની એકવાર તો મુલાકાત લેવી રહી। અજર કુર્સી સાથે પ્રકાશવાળા।